भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद धर्मवीर सिंह ने शनिवार को भिवानी के किरोड़ी मल पार्क में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि यज्ञमान के रूप में शामिल हुए व हवन में पूर्णाहुति डाली। सांसद ने गीता उत्सव की प्रदर्शनी में शिक्षण संस्थानों, धार्मिक व सामाजिक संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का बारीकी से अवलोकन किया। इस मौके पर गीता जयंती के नोडल अधिकारी व SDM दीपक बाबू लाल करवा मौजूद रहे। श्री कृष्ण भगवान का उपदेश कैसे जन्म समय में 5000 साल पहले जब महाभारत जैसी लड़ाइयां लड़ी गई, क्योंकि हमारा उत्तर भारत का ये क्षेत्र ऐसा था, शुरू से आज तक लड़ाइयां बहुत रही हैं। ऐसी जगह के ऊपर 5000 साल पहले जो उपदेश दिया गीता का, उसका सारांश पढ़ के देखिए। लेकिन केवल पढ़े नहीं, जीवन में धारण करके देखो तो जरा 2% 10% एक बार देखो और उसका रिजल्ट देखना फिर क्या है। बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया में देखी होंगी, सिकंदर महान जैसा भी आया, हिटलर जैसे भी लोग आए, अंत क्या हुआ? हमें क्या चाहिए? सुख शांति और समृद्धि। उसके लिए हमने आपने क्या करना है? हम भागा दौड़ की जिंदगी में लग रहते हैं, मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, ये भी कर लूं, और उसके बाद केवल केवल हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। 2000 के सीमे में करूंगा क्या? उसमें से कम मेरे पास ये पद है, बड़ा और होना चाहिए, मेरा ओम तो नाम हो। और उसके बाद पैदा होने के बाद जरा एक बात सोचिए, जरा जिस देश में आप पैदा हुए हो, जिस धरती पर आप पैदा हुए हो, जिस शहर में गांव में आप पैदा हुए हो, जब समय आने के बाद अगर ऊपर वाले ने जाके पूछ लिया कि भले आदमी तेरा योगदान क्या है, तू भेजा था मैंने, ईमानदारी से बता तेरा तेरी देन क्या है, देश के प्रति, समाज के प्रति तूने क्या किया? मुझे वो पता पता नहीं, लेकिन मैं कोई बात नहीं बता पाऊंगा कि मैंने ये कर दिया। एक ऐसा समय भारत को मिला है जब दुनिया की सारे विकसित देशों के लोग भी भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं कि गीता का सार हम उसको अपनाएंगे, उसी पर हमारा संविधान बनाया है, उसी पर हम संविधान चलाएंगे। संविधान और चीजें ये तो लिखी थे देश को चलाने के लिए, लेकिन गीता का साथ आत्मा से है, ये तो वो चीज है जिसके आधार पर एक मानव जीवन सही जीवन जी सकता है। तो नई टोध है, बच्चे हैं, इनको हमें ऐसे तैयार करना है कि ये देश फिर दुनिया को रास्ता दिखाए, शांति का रास्ता दिखाए। कितना विकास कर लिया अमेरिका ने, रशिया ने, चाइना ने, कोई तो बीमारी बना के छोटे हैं, कोई दूसरे देश में ढपने की सोच रहे हैं, कोई तो अपने आप को बचाने की सोच रहा है, और आखिरकार लास्ट में भाई आएगा जो हिंदुस्तान चाहता है। हिंदुस्तान का जो सार है, गीता का जो सार है, वही चीज काम देगी। क्योंकि हर आदमी पैदा इसीलिए होता है कि वो अच्छा जीवन जिए, दूसरे को जीने की, लेकिन हम अपने स्वार्थ में दूसरे का कितना नुकसान हो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो किताब खोले बैठे है, सबसे पूछेगा कि तू 70 साल 80 साल जाके आज भिवानी में पैदा हुआ, तू दिल्ली में चला गया, बंबई में भी तेरे धंधा कर लिया, क्या योगदान है तेरा देश में, बताना जरा, तेरे कारण कितना लोगों में सुधार हुआ, कितने लोगों ने बुराइयां छोड़ी, कितनों को समझा पाए, हर इंसान से पूछा जाता है। मुझे लगता नहीं, मैं भी भाषण जरूर देने लगा हूँ कि मैं 100% कौन सी चीज को अपना पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है बगैर बात के लालच। आज मैं 60 साल का हो गया तो भी पता नहीं क्या लालच हो जाए फिर चुनाव लड़ गई किस लिए? अरे मैं 60 साल में कुछ आपको नहीं दे पाता, आगे क्या दे दूंगा, क्या दे पाऊंगा आगे? अब सबका फर्ज बढ़ता है कि जिसकी जो ड्यूटी है वो ईमानदारी से निभाए,
अगर मेरे पास आज एक मकान रहने का है और मैंने और दूसरा मकान बना लिया, बड़ा घर बना लिया, सोन खाते तो एक खाट से या तो बना के आप दूसरों को दो, तू भी जाने दिया, नहीं तो बड़ा मकान मेरे क्या काम आ गया। मेरे विचार जब तक ठीक नहीं होंगे या पद आपकी ठीक नहीं होगी तो मैं नहीं मानता कि टकराव चलता रहेगा। और टकराव का रिजल्ट सदाम के पास या सहाय था, हाँ हाँ जी, सोने का महल, सोने का बिस्तर, सोने का बेड, स्टोर भी सोना चांदी का, क्या मिला? अरे केवल इंसानियत मिलेगी, वही विचारधारा, अगर सही विचारधारा है तो वो जिंदा रहेगी हमेशा।